लेकिन अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं और स्पेशली टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, आपके पैरों में ऑलरेडी कुछ डिफॉर्मिटी क्रिएट हो गई है, आपके पैरों में मे बी यू नो अगर हैमर टो है, अगर आपके पैरों में सूजन है, टाइट स्किन है, रेडनेस है, छाले हैं, उंगलियां मुड़ी हुई हैं, कहीं ना कहीं से खाल निकल रही है, एक 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 सफेद तरीके की स्किन क्रिएट हो जाती है स्किन टाइट होने की वजह से पैरों में, अगर वो सारी सिचुएशन आपके पैरों के साथ ऑलरेडी है और आप शुगर के पेशेंट हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस्तेमाल कीजिए उन जूतों का जो कि बनाए गए हैं खास तौर से आपके पैरों को वो एक्स्ट्रा केयर देने के लिए। तो क्या फ़र्क होता है एक डायबिटिक शू में और एक रेगुलर शू में? तो दोस्तों मान लीजिए ये डायबिटिक शू का इनर सोल है, क्योंकि इनर सोल ही डायरेक्टली फिजिकली कांटेक्ट में होता है आपके पैर में के तल पैर के तलवों से, तो जो इनर सोल है जिसको कि हम इंसर्ट भी कहते हैं, उसका एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है एक डायबिटिक शू को बनाने में। तो इस इनर सोल को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है कि ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं हर प्रेशर पॉइंट को। तो एक पैर का तलवा जब इन पे पड़ता है और चलने की वजह से, दौड़ने की वजह से, बैठने की वजह से, जो अलग अलग प्रेशर पॉइंट इस सोल के ऊपर पड़ते हैं, तो ये स्पेशली डिजाइन होता है हर तरीके के प्रेशर पॉइंट को एब्जॉर्ब करने में, कि जहाँ से प्रेशर पड़ रहा है वहीं से उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इससे होता क्या है, एक बहुत ही फर्म ग्राउंड मिलता है पैर के तलवे को, एक एक बहुत ही फर्म ग्राउंड मिलता है, और जो फ्रिक्शन होता है, जो शेयरिंग होती है आसपास जूते के, जो जो इंटरनल जो सोल होता है, जो इंटरनल इंटरनल मैकेनिज्म होता है, उसके आसपास रगड़ने से जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से एक एक्स्ट्रा कंफर्ट, एक्स्ट्रा केयर मिलती है आपके पैर की स्किन को। ये जो जूते होते हैं डायबिटिक शूज, ये आम जूतों के कंपैरिजन में काफ़ी डीप होते हैं, डीपर होते हैं, क्योंकि इनमें वो इंसर्ट जाके फिट होता है। ये इंसर्ट एक्सटर्नली भी अवेलेबल होता है, लेकिन ये इंसर्ट हर तरीके के शू में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि इसकी एक अपनी डेप्थ होती है, एक अपनी मोटाई होती है। तो एक नॉर्मल शू में अगर आप इसको लगाएंगे तो वो जूता तो वैसे ही काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो ऊपर से टाइट हो जाएगा और जो ओवरऑल पर्पस है एक कंफर्टेबल फुटवेयर पहनने का वो फेल हो जाता है। तो इसीलिए जो जूते खास तौर से बने हैं उस इंसर्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए, वहीं पर ये फिट हो सकता है, और वो चीज़ आपको मिलती है सिर्फ डायबिटिक शूज में। तो मैंने आपको बताया उस इनर इंसर्ट के बारे में, एक इनर सोल के बारे में, जो कि एक फर्म ग्राउंड प्रोवाइड करता है, जो कि हर तरीके के प्रेशर पॉइंट को कंट्रोल करता है। तो इसलिए वो जूते अपने हमारे पैरों के तलवे के लिए काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो फ़र्क होता है डायबिटिक शू में और एक एक नॉर्मल शू में जो कि हमको मार्केट से मिलता है, वो ये कि आप कोई भी रेगुलर शू, रेगुलर जूता, चप्पल, सैंडल, जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, आप अगर उसको उठाकर देखें तो इंटरनली भी उसमें काफ़ी स्टिचिंग का यूज़ होता है। किसी में होता है, किसी में नहीं होता, लेकिन डायबिटिक शूज़ में इस तौर का खास तौर से ध्यान रखा जाता है कि जो इंटरनल स्टिचिंग है वो काफ़ी कम, वो काफ़ी मिनिमलिस्टिक होती है, या कई केसेस में वो होती नहीं है। जो पैर की स्किन जो होती है वो जब आसपास के जूते के मटेरियल से जब वो बार बार टकराती है, बार बार घिसती है, बार बार फ्रिक्शन करती है, तो उसकी वजह से जो अनकंफर्टेबलनेस होती है, उसकी वजह से जो स्किन डैमेज होता है, वो डायबिटिक शूज़ में नहीं होता है। तो वहाँ पर ही उनसे काफ़ी अलग होते हैं। और जो तीसरा इनमें फ़र्क होता है आम जूते से, वो ये कि इनमें हमेशा अंगूठे के आसपास वो एक्स्ट्रा रूम होता है, ये हमेशा ज़्यादा चौड़े होते हैं, ज़्यादा गहरे, ज़्यादा डीपर होते हैं, जिससे कि वो एक्स्ट्रा रूम मिल सके आपके पैरों की जो भी डिफॉर्मिटी है, आपके पैरों की जो भी सूजन है। डायबिटिक पेशेंट में वो डिफॉर्मिटी, वो सूजन, वो टेढ़ापन पंजों में आ जाता है एक उम्र के बाद। तो ये जो भी बदलाव होता है हमारे पैर की स्किन में, इन जूतों को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है कि ये उस सारे बदलाव को एब्जॉर्ब कर सके। एक रेगुलर शू की जो का जो मटेरियल यूज़ होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, अगर वो आपको वैसे टच करने में सॉफ्ट लगता है, लेकिन फिर भी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है पैरों में हुए हुए बदलाव को। तो ओवर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब पैरों में बदलाव होता है, पैर कहीं से सूज जाते हैं, पैर कहीं से डिफॉर्म हो जाते हैं, इन सारे बदलाव को एक रेगुलर मार्केट शू जो कि हमको आसानी से स्टोर में मिल जाता है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। लेकिन क्योंकि एक डायबिटिक शू को स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है ज़्यादा विड्थ के साथ, ज़्यादा टो रूम के साथ, ज़्यादा गहराई के साथ, जिससे कि एक कंफर्टेबल इनर सोल उसमें लग सके, जो कि मोल्ड हो सकता है हर प्रेशर पॉइंट के साथ, जहाँ जहाँ भी इस पर प्रेशर पॉइंट होता है वहीं पर वो मोल्ड हो जाता है। तो इन सब चीज़ों के की वजह से एक डायबिटिक शू जो होता है वो
एक्स्ट्रा केयर जो कि बहुत ज़रूरी होती है एक डायबिटिक पेशेंट के लिए अपने पैरों को देने के लिए, वो एक्स्ट्रा केयर ये डायबिटिक शूज़ प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको बताई डायबिटिक शूज़ के बारे में। ये बात बिल्कुल साफ है कि हाँ ऐसे शूज़ मार्केट में मिलते हैं और इस्तेमाल भी करने चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं रेगुलर शूज़ से जो कि हमको मार्केट में मिलते हैं और ख़ास तौर से बनाए जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, जिससे कि जो भी वीकनेस जो भी ज़रूरत उनके पैरों को है एक एक्स्ट्रा केयर देने की, वो केयर इन जूतों के ज़रिए उनको मिल सकती है। तो बिल्कुल इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप किसी को जानते हैं जिसको कि डायबिटीज़ है, तो कई बार लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं होती है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनके इसके बारे में उनको बताइए, जिससे कि वो इन जूतों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें और ज़्यादा डैमेज से बचाएं अपने पैरों को। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और इससे आसानी होती है मेरे वीडियोस को जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचने में। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, मैं आपके सामने बहुत जल्द हाजिर होऊंगा एक और नए वीडियो, एक और नए सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए जवाबी बाबा।